विद्यार्थियों, विद्युत धारा जो है कक्षा 10 में विद्युत धारा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। विद्युत धारा में क्या प्रवाहित होता है, किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आवेश प्रवाहित होता है। आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। और कुल प्रवाहित आवेश की मात्रा की गणना कैसे की जाती है, कुल प्रवाहित आवेश की मात्रा कुल प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो कुल प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है कुल प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन को कुल आवेश। आवेश को Q से निर्धारित किया जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से, तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल E से डिनोट करते हैं। तो कुल प्रवाहित आवेश की मात्रा Q बराबर होती है N इंटू E। और जब तक आप धारा के विषय में पढ़ना चाहते हैं तो कुल धारा जो प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों के आवेश की मात्रा कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹⁹ कूलम का ऋणात्मक आवेश होता है। कल आपको इसके आगे के विषय में बताया जाएगा और कल आप जरूर इसको देखिएगा और सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य है। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य है, ऑनलाइन आपकी उपस्थिति ली जाएगी और उसके बाद आपको विधिवत हर विषय के विषय में गणित विज्ञान और रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और चित्रकला सभी विषयों के बारे में आपको विधिवत जानकारियां दिन प्रतिदिन प्राप्त होती रहेंगी। तो अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में आप अवश्य उपस्थित रहें, ये मेरा आपसे अनुरोध है।